हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है टाइटनिक तो टाइटैनिक एक अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म का इंग्लिश हिंदी ये सभी जो वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं फिल्म की स्टार स्टारकास्ट अपटिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में जानकारी मिलने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइटनिक है, जो नाइनटीन नाएंटी की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिजास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बफ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीश ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पर डी डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुत्वित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिस का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वॉर्नर <coughs> इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोए का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी वेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन गेम का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान जोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पियन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स हॉल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रूफ्रूड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कॉर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नॉइल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ड जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचकन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिंग का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फोस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केम्योपीरियंस भी देखने को मिलते अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल uh, कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलडीज के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ यूएस मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का पर वन मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोर्स आया हुआ था वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सिस थे रिसोर्स थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्में उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइनटीन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ यू मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीजन के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर नाइनटीन में बढ़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने टू one. यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओ टी टी के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी स्टार राइट हॉटस्टार के पास यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटेनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस हो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटनिक जो नाइनटीन सेवन की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमेंस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीजन है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरॉन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बर्फ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को 1997 में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को 200 मिलियन यूएस डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पांस मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज़ किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं कैट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोनार्डो डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ दिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन कालवर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिजियो का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वॉर्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था, था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमेन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ ईवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है सर कोस्मो के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें। लेडी डफ गोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल ले का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर फर्स्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जैक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टॉय ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमीओपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट केदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटैनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल uh, कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिबा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फ़िल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फ़िल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप अप में बड़ी बात है साथ ही में फ़िल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का, पर, वन मिलियन पर, पर का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोस्ट आया हुआ था वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सो थे, थे उस हिसाब से फ़िल्म की जो वे का काम है सी जी आई का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीस का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल में देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइनटीन नाइनटी सेवन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया, हो किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेशन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटेनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहां पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइन्टीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीनस मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से उस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था 12 साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस ग्रोसिंग फिल्म का टैग हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 यूएस मिलियन डॉलर 1997 में बढ़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया

में कैसे ओटी टी सेट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी स्टार के पास है यानी कि इंडिया में डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है पे नाम के साथ इसको अवेलेबल विथ इंग्लिस सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटैनिक नाम के साथ टाइटैनिक जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिजास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ है स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ड बफ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरिस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डिवेट बुक बुकाथ्रियर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोनो डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुत्वित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज ने लिजी कालवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिस का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोए का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव <गएगा> का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स हॉल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रैवन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रॉथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोड जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पोल प्राइटवेल ने इसमें कोर्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जैक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केम्योपीरियंस भी देखने को मिलते अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटैनिक शिप के साथ तो उसमें इस फ़िल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो आ, हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया औरजनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाते हुए चीज़ों को एड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 31 जुलाई नाइनटीन में नोवा स्कोटिया में डा, डार्क माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा केलरिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोर्स आया हुआ है वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म में उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइन्टीन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज के जो लोकेशन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपनी अपनी बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फ़िल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहां पर चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा कैनेडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फ़िल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए एक वन मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को किया। करीबन साल तक इस फिल्म ने अपना खिताब हासिल किया जहां पे जो रन था इस फिल्म का, का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट स्टार हॉटस्टार के पास यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटेनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटेनिक जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरॉन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बर्फ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को 1997 में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं कैट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोनार्डो डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ तिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिजियो का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर <coughs> इस फिल्म में स्पाइसर लो जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमेन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ ईवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोलर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स होल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुफ्रोड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कॉर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कॉर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल ले का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ट जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर फर्स्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टॉय ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्यपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक, एक डिजास्टर हुआ था टाइटनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिबा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय 200 सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू एस मिलियन पर, पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कॉस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीजें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल मगर आप देखो हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशन में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का ट्रेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी पे करीबन बारह लाख ,00 से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई

वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल हुआ विध इंग्लिशल विध सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो नाम के साथ टाइटे प्लस के ऊपर इंग्लिश विध सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिशल विध सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में नाम के साथ टाइटे जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पैरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कार्पेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बफ और जेम्स कैमरॉन प्रीचाडी हरिस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डिवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोनो डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ तिवीत बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरी का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन गेम का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स हॉल का रोल प्ले किया हुआ है लोन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कॉर्डोन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कॉर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ट जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइट ने इसमें कोर्ट मास्टर क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिन रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जैक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज तो ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्योपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्शनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलडीज के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ यू मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू एस मिलियन पर, पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कॉस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिर ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी 97 के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपनी अपनी बड़ी बात है दो यूएस मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहां पर चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कैनेडा जैसे अलग अलग लोकेशन में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई इन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई

सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटनिक जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरॉन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कार्पेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कोनराल्ड बर्फ और जेम्स कैमरॉन त्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन नाइन्टी सेवन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो सौ मिलियन यू एस डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस बुक बुका का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोडो डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिसर ने इस फिल्म में रुत दिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिजियो का रोल प्ले किया हुआ है डेविड <coughs> वॉर्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ ईवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रैवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कॉर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कॉर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रॉथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ड जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर फर्स्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जैक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्योपीरियंस भी देखने को मिलते अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक, एक डिजास्टर हुआ था टाइटनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा स्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिबा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय 200 सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू मिलियन प, पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कॉस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीजें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइनटीज का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल मगर आप देखो हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया, हो किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट uh, हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूज़िकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूज़िक ने काफ़ी भारी रकम देते हुए इसके म्यूज़िक के राइट्स ख़रीदे हुए थे नाइन्टीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था अट्ठारह नवंबर नाइन्टीन में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बच्चे वो काफी बढ़िया थे म्यूजिक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज किया हुआ है सोनी म्यूजिक के द्वारा इसके अलावा काफी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फ़िल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीनस मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी यू पर करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट हॉटस्टार के पास है यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटेनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिश सब टाइल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटेनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटेनिक नाम के साथ फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बच्चे वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीब बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ यू मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने टू one. यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को किया। साल तक इस फिल्म ने अपना खिताब हासिल किया जहां पे जो रन था इस फिल्म का, का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट हॉटस्टार के पास से यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विद सब टाइटल तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ प्लस के ऊपर इंग्लिश टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटे फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटे जो नाइनटीन सेवन की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ है स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी रसेल कार्पेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बफ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरिस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोनो डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ तिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज ने लिजी कालवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरी का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी वेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमेन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम टोच का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाई स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ट जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइट ने इसमें कोर्ट मास्टर क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचकन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिन ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जैक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जो का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्यपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिज़ास्टर हुआ था टाइटैनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्शनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो नाइनटीन में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ यूएस मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यूएस मिलियन डॉलर के ये पार का इस फिल्म का पर वन यू मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोर्स आया हुआ था वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सिस थे रिसोर्सिस थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइनटीन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपनी अपनी बड़ी बात है दो यूएस मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहां पर चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइनटी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ यूएस मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशन में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ एस मिलियन डॉलर 1997 में बढ़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने टू one. यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई

सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल किया हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस हो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटनिक जो नाइनटीन सेवन की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पे पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरॉन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कोनराल्ड बर्फ और जेम्स कैमरॉन त्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन नाइन्टी सेवन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो सौ मिलियन यू एस डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोडो डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिली जेन आपको काल्डन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिसर ने इस फिल्म में दिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिजियो का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वॉर्नर इस फिल्म में स्पाइसर लो जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आर्के ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ ईवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुफ्रोड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रैवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कॉर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ गोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रॉथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं स्कॉट स्कोर्जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर फर्स्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टॉय ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ गमिया ऑपीरियंस भी देखने को मिलते अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोटेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक, एक डिजास्टर हुआ था टाइटेनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्शनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिबा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय 200 सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोर्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने, अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्में उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइनटीन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीजें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइनटी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बच्चे वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीनस मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ यू मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने टू one. यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी यू करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई

वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल हुआ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ प्लस के इंग्लिशल सब विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में नाम के साथ टाइटे जो नाइनटीन सेवन की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बर्फ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीश ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्सनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोन्डो डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ तिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज ने लिजी कालवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिस का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वॉर्नर <coughs> इस फिल्म में स्पाइसर लोजोए का रोल प्ले करते हुए नज़र आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी वेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रूस का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक earth... <Dunfrans> ब्रेडन ने, ने इसमें जॉन जेकोब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल इंसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाई स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स हॉल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रूप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवेन का रोल प्ले किया हुआ है जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स इसमें लेडी डफ कॉर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नॉइल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ड जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर और स्कोटर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिन ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केम्योपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटैनिक सिप के साथ तो उसमें इस फ़िल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो आ, हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया औरजनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाते हुए चीज़ों को एड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 31 जुलाई 1996 नाइनटी सिक्स में स्कोटिया में डा, डार्ट माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलडिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोस्ट आया हुआ था वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस भी काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी 97 के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेस किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपनी अपनी बड़ी बात है दो यूएस मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटेनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनेडा जैसे अलग अलग लोकेशन में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स केमर का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर नाइनटीन में बढ़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने टू one. यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी स्टार राइट हॉटस्टार के पास यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस हो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटनिक जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरॉन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ड बर्फ और जेम्स कैमरॉन तिचाडी हरिस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को 1997 में रिलीज किया था उस समय इस फिल्म को 200 मिलियन यूएस डॉलर में बनाया हुआ था काफी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पांस मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्सनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डिवेट बुक बुकात्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोन्डो डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिसर ने इस फिल्म में रोथ दिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिस का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर <coughs> इस फिल्म में स्पाइसर लो जोई का रोल प्ले करते हुए नज़र आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिरन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन गेम का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मरटो का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाई स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स होल का रोल प्ले किया हुआ है लोन ग्रुफ्रोड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोएल ले का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रॉथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे स्कोर्ड जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर फर्स्ट क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिन ग्डली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टॉय ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमीओपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट दर प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल uh, कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्शनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिबा कैलिस के इसके नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय 200 सौ मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू एस मिलियन पर, पर मिनट का जो तो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कॉस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीजें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइनटीज का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल मगर आप देखो हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन नाइनटीन के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीजें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइनटी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बच्चे वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पांस था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीनस मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ यू मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को किया। साल तक इस फिल्म ने अपना खिताब हासिल किया जहां पे जो रन था इस फिल्म का, का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी हॉटस्टार के पास से यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहां पे टाइटे नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विद सब टाइटल तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटेनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटे नाम के साथ टाइटे जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटैनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडू ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बफ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते कैट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकाथ्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे पर डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रुथ दिवित बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजी एमिस ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिजियो का रोल प्ले किया हुआ है डेविड <coughs> वॉर्नर इस फिल्म में स्पाइसर लो जोए का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी वेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आरके ब्लेड ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन गेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स हॉल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रैवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स ने इसमें लेडी डफ कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नॉइल लेसी का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रॉथ्स का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे पर स्कोर्डी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचकन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइिन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्योपीरियंस भी देखने को मिलते अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिज़ास्टर हुआ था टाइटैनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर ऐड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाते हुए चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलरीज के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप अप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ यूएस मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप अप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यूएस मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का पर वन मिलियन पर पर का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोस्ट आया हुआ था वो अपने में आप बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का, का काम है सी का, का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी 97 के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया, हो किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटेनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीजें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसिस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जिट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई

सवा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस हो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटनिक नाम के साथ टाइटनिक जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमेंस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनीज़ जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स, पिक्चर्स ट्वेंटिथरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पेरामाउंट पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कोनराल्ड बफ और जेम्स कैमरॉन प्रिचाडी हरीस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डिवेट बुका का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पर डी काब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन हॉकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिसर ने इस फिल्म में रुदिवीत बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सूजी एमिज़ ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरिस का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वार्नर <coughs> इस फिल्म में स्पाइसर लो जोए का रोल प्ले करते हुए नजर आते इसके अलावा जेसन बेरी आपको टॉमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नज़र आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आर्के ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन हेमन का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ ईवानस जोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर, मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ डालबेटल हाँ स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स का रोल प्ले किया हुआ है लोन ग्रुप ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रेवन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे रोसलैंड लेडी कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नोए का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे जी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर आ, क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिन रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जो का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्योपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिजास्टर हुआ था टाइटैनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटैनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्शनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलिस के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो रोसेस्ट्रो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन 150 दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय 200 सौ यू मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू एस मिलियन प, पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कॉस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीजें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फिलहाल में अगर आप देख देखोगे हो हॉलीवुड की दूसरी फिल्म में उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नजर नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी नाइन्टी के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसीज तो काफ़ी शानदार थी ही लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया, हो किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेसन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो अपने आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ इसी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइन्टीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो बच्चे वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कोमरन का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बस अच्छा था तो इस वजह से फ़िल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीन्स मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेशियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फ़िल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन बारह साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था बारह साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ यू मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 सौ मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को किया। करीबन साल तक इस फिल्म ने अपना खिताब हासिल किया जहां हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओटीटी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट के पास से यानी कि इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहां पे टाइटे नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटेनिक नाम के साथ डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिशल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटे नाम के साथ टाइटे जो 19197 की अमेरिकन फिल्म है इस फिल्म के जोनर के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो जोनर है वो है एपिक रोमांस एंड डिज़ास्टर इसके पीछे रीज़न है ये डिज़ास्टर फिल्म इसलिए कि ये एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म में रोमांस और दोनों की चीज़ों को एक कॉम्बो करके जेम्स कैमरन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर तो टाइटनिक जो 1997 की फ़िल्म थी उसको प्रोड्यूस जेम्स कैमरन जॉन लेंडो ने किया हुआ था उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि पेरामाउंट पिक्चर्स ट्वेंटी सेंचुरीज लाइस्ट्रोम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया था वहीं पर पे पेरा पिक्चर्स ने नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में जेम्स कैमरन ने काम किया हुआ स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें जेम्स कैमरॉन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी रसेल कारपेंटर ने की हुई थी एडिटिंग कॉनराल्ट बफ और जेम्स कैमरॉन रिचारे हरिस ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म तीन घंटे और पंद्रह मिनट की देखने को मिलेगी तो अपने आप में एक बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म को नाइनटीन में रिलीज़ किया था उस समय इस फिल्म को दो मिलियन यू डॉलर में बनाया हुआ था काफ़ी हाई बजट था लेकिन उसके सामने जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला था जिस तरह का कलेक्शन आया था वो काफ़ी काबिल तारीफ था वो इतना एपिक था जिसने काफ़ी लंबे समय तक इस कलेक्शन के साथ फर्स्ट नंबर हासिल रखा हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में तो जेम्स हॉर्नर ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉन्ग्स भी उनके ही द्वारा कंपोज़ किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर तो फिल्म के कुछ कास्ट है जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं केट विंसलेट का जो रोस डीवेट बुक बुकाथ्रेर का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे लियोन्डो डिकाब्रियो ने इस फिल्म में जेक डाउनसन का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल्ली जेन आपको कार्लडन होकली के रोल में दिखाई देंगे फ्रांसिस फिशर ने इस फिल्म में रोथ तिवीत बुकातेर का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोरिया स्टुअर्ट ने इसमें रोस डाउसन काल्वर्ट का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा बिल पेक्स्टोन ने ब्रॉक लावेट का रोल प्ले किया हुआ है सुजी एमिस ने लिजी कॉलवेट का रोल प्ले किया हुआ है डेनी नूची ने इस फिल्म में फेवरी का रोल प्ले किया हुआ है डेविड वॉर्नर इस फिल्म में स्पाइसर लोव जोई का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं इसके अलावा जेसन बेरी आपको टोमी हिराइन के रोल में दिखाई देंगे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जैसे कि कैथी बेट्स जो मार्गरेटा मोली ब्राउन का रोल प्ले करती हुई नजर आई थी विक्टर गार्बर जिन्होंने इसमें थॉमस एंड्रयूज़ का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड हिल ने कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथन हाइड ने जे ब्रूस इसमें का रोल प्ले किया हुआ था इरिक ब्रेडन ने इसमें जॉन जेकब एस्टोर फाइव का रोल प्ले किया हुआ था बर्नार्ड फॉक्स ने कर्नल आर ग्रेसियर फाइव का रोल प्ले किया हुआ है माइकल एनसाइन ने इसमें बेंजामिन गगन गेम का रोल प्ले किया हुआ है जोनाथ इवान स्टोन्स ने इसमें वेलेस हार्टले का रोल प्ले किया हुआ है मार्क लिंडसे ने चैम्पमैन ने इसमें चीफ ऑफिसर हैंनरी वाइल्ड का रोल प्ले किया हुआ है इवान स्टेवर्ट ने इसमें फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर मर्टोज का रोल प्ले किया हुआ है डालबेटल हाई स्कूल में वो जो किरदार था उसको इसमें सेट किया हुआ था वहीं पे जोनाथन फिलिप्स आपको सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइट्रोलर के रोल में दिखाई देंगे सीमॉन क्रेन ने इसमें फोर्थ ऑफिसर जोसेफ बॉक्स होल का रोल प्ले किया हुआ है लॉन ग्रुफ्रूड ने इसमें फिफ्थ ऑफिसर हारोल्ड लोव का रोल प्ले किया हुआ है एडवर्ड फ्लेचर ने इसमें सिक्स ऑफिसर जेम्स मोडी का रोल प्ले किया हुआ है जेम्स लैंडस्टर ने फादर थॉमस बाइल्स का रोल प्ले किया हुआ है लियो पाल्टर ने इसमें एल्सा रैवेन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन जारविस आपको सर कोस्मो डफ कोर्डन के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर रोसलैंड आयर्स में लेडी डफ कोर्डन का रोल प्ले किया हुआ है रोसेल रोस ने नॉइल ले का रोल प्ले किया हुआ है जो काउंटलेस ऑफ रोथ का रोल था वो प्ले किया हुआ है वहीं पे पर स्कोर्टी एंडरसन आपको फ्रेडरिक फ्लिट के रोल में दिखाई देंगे पॉल ब्राइटवेल ने इसमें कोर्ट मास्टर क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचस्कन का रोल प्ले किया हुआ है मार्टिन ईस्ट ने इसमें रेजिनगार्ड ली का रोल प्ले किया हुआ है जॉर्ज कुक ने इसमें जेक फिलिप का रोल प्ले किया हुआ है क्रेक केली ने हारोल्ड ब्राइट का रोल प्ले किया हुआ है लाइम टोज ने इसमें चीफ बेकर चार्ल्स जोइन का रोल प्ले किया हुआ है टेरी फॉस्टल ने इसमें चीफ इंजीनियर जोसेफ जी बेल का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैम्योपीरियंस भी देखने को मिलते हैं अलग अलग किरदारों में तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्री प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें राइटिंग या इंस्पिरेशन के ऊपर तो जो एक डिज़ास्टर हुआ था टाइटनिक शिप के साथ तो उसमें इस फिल्म की कहानी में जो फिल्म के मेकर है उन्होंने रोमियो जूलियट का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत उसको टाइटेनिक के साथ मिक्स करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने का फैसला लिया था उसके बाद में उसके ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट किए गए थे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे उसके अलावा जो फिक्सनल कैरेक्टर एड करने वाले थे उसके ऊपर काम किया गया ओरिजिनल इंसिडेंट को इसमें रोमांटिक एंगल दिखाती हुई चीज़ों को ऐड किया हुआ था बाद में सभी किरदारों को सेड किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को शूटिंग के लिए जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था उसके ऊपर काम किया गया कास्टिंग की गई थी बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, वो 31 जुलाई 1996 में नोवा में नोवास्कोटिया में डा माउथ में स्टार्ट की हुई थी जो मॉडर्न डे में आपको एकेडमिक मिस्टिवा कैलरीज के नाम से देखने को मिलेगा सितंबर 1996 में इस फिल्म का नया लोकेशन में शूट किया गया था नया शेड्यूल जहां पे बाजा स्टूडियो मेक्सिको में शूट किया गया था इसके बाद कई अलग अलग शेड्यूल फिल्म के सेट किए हुए थे जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म में जो एपिक डिज़ास्टर हुआ था उसकी कहानी को सेट किया हुआ है तो 1997 में फिल्म ज़रूर रिलीज़ हुई थी लेकिन कहानी उससे पहले की थी जिसके चलते इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके बाद में इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है एक्टर्स के लुक है वो सभी चीज़ों में थोड़ा चेंजेस किया गया था और उसके बाद में उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिल्म को शूट किया हुआ था और मार्च तेईस मार्च दो में इस फिल्म को ऑफिशियली रेपअप किया था और इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में सेट किया हुआ था करीबन एक सौ पचास दिनों के आसपास फिल्म की शूटिंग को उस समय कंप्लीट करवाया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है साथ ही में फिल्म का रन टाइम भी काफ़ी लंबा निकला था और एक हाई बजट की फिल्म थी उस समय दो सौ यूएस मिलियन डॉलर का फिल्म बनाना वो अपने आप में बड़ी बात थी और उसके सामने जिस तरह से वन यू मिलियन डॉलर के पार का इस फिल्म का वन यू मिलियन पर मिनट का जो इस फिल्म का एक स्क्रीन टाइम के हिसाब से कोस्ट आया हुआ था वो अपने में बड़ी बात है हाँ हालांकि फिल्म चल गई और इतनी बड़ी कल क्लासिक साबित हुई जिसके चलते फिल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया था कलेक्शन बेहतरीन किए थे और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी लंबे समय तक पहले नंबर पे रही थी और उसके बाद में भी इस फिल्म ने जिस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई थी वो अपने आप में बड़ी बात है पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट के ऊपर भी काम किया गया था उस समय जिस तरह के जो सोर्सेज थे रिसोर्सेज थे उस हिसाब से फिल्म की जो वेफिक्स का काम है सी का काम है वो सभी चीज़ें की गई थी एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी आपको जो नाइन्टीज़ का टच देखने को मिलता है हाँ अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे हॉलीवुड की दूसरी फिल्म उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी उतनी बेहतर नज़र नहीं आएगी लेकिन 1997 के हिसाब से अगर चेक करोगे तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने सेट की हुई थी 97 के हिसाब से जिस तरह से चीज़ों को डेवलप किया था जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया था उसमें जो एग्जीक्यूशन डायरेक्टर का देखने को मिलता है उनकी सोच में जिस तरह का एक प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने उन सभी चीज़ों को इस फिल्म में एग्जीक्यूट किया वो अलग लेवल का था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस तो काफ़ी शानदार थी लेकिन जिस तरह से मेकर्स के द्वारा चीज़ों को सेट किया हुआ था वो बढ़िया था आर्ट डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था जहाँ पे चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके सेट किया हुआ था सभी आर्टिस्ट को अच्छी तरह से स्टाइलाइज किया हुआ था नाइन्टीज़ के जो लोकेशन है उस समय में जो पुरानी कहानी थी उसको इसमें दिखाया था वो आप में बड़ी बात है दो सौ मिलियन डॉलर में उस समय में बनाया गया था तो काफ़ी बड़ी बात है और उसके सामने मेकर्स यानी कि जो फिल्म के डायरेक्टर है उनका जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी तारीफ करना का काफ़ी काबिल तारीफ काम किया हुआ है उनकी इस फिल्म के वजह से काफ़ी बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद में तो उन्होंने अवतार अवतार टू जैसी भी फिल्में दी हुई थी टाइटैनिक एक ऐसी फिल्म है जो कल्ट क्लासिक के साथ साथ एक ऐसी एफिक फिल्म है जो शायद वर्ल्ड के सभी जो मूवी लवर्स हैं उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और फिल्म कुछ ईजी इसी रीज़न के चलते कल्ट क्लासिक फिल्म भी साबित हुई थी और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में एक लंबा बहुत ज़्यादा लंबा रन लिया था जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफी बढ़िया तरीके से हिट हुआ था जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी काफी अच्छा था जिस तरह का जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा वाला कौनसेप्ट भी इसमें सेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें भी काफी अच्छी तरह से सेट की हुई थी सोनी म्यूजिक ने काफी भारी रकम देते हुए इसके म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे नाइनटीन नाइन्टी में इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 नवंबर 1997 में ऑफिशियली इस साउंड ट्रैक को रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको ऑफिशियली सोनी म्यूज़िक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला हुआ था जिस तरह से जो सीन क्रिएट किए हुए थे उसमें जिस तरह से चीज़ों को सेट किया हुआ था जो परफॉर्मेंसेस थी उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो बदते वो काफ़ी बढ़िया थे म्यूज़िक है वो जेम्स हॉर्नर के द्वारा कंपोज़ किए गए थे टोटल पंद्रह ट्रैक थे और इस सभी ट्रैक को काफ़ी अच्छा प्यार मिला था और इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है सोनी म्यूज़िक के द्वारा इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग एडिशन है उस उन सभी चीज़ों को भी उन सभी ट्रैक को भी ऑफिशियली है उनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और आने वाले समय में जैसे कि जब 1997 में रिलीज़ हुई थी उसके बाद के समय में काफ़ी सारे अलग अलग ट्रैक भी इसके रिलीज़ किए गए थे इन सभी को सोनी म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑफिशियली सुन सकते हो नाइनटीन नाइन्टी सेवन में इस सबसे बड़ी फिल्म हिट तो साबित हुई थी उसके बाद में जिस तरह से इसके जो आर्टिस्ट है डायरेक्टर है जो टीम मेम्बर है उनको जो एक सक्सेस मिली थी वो अलग लेवल की थी उसके अलावा फिल्म ने जिस तरह से लंबे समय तक एक रिकॉर्ड कायम किया था वो अपने आप में बड़ी बात थी अवतार आने तक इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रिकॉर्ड को संभाला तो उसके बाद में अवतार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था अब हम बात कर लेते रन टाइम के ऊपर थोड़ी बहुत तो तीन घंटे और पंद्रह मिनट का रन टाइम था तो अपने आप में एक बड़ा रन टाइम है फिल्म को जब रिलीज़ करने वाले थे तब इस रन टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा था उसके बाद में इस रन टाइम के साथ फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को थिएटर में 200 सौ मिलियन डॉलर के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को एक नवंबर 1997 में टोक्यो में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में 19 दिसंबर 1997 में यूएस कनाडा कैनेडा जैसे अलग अलग लोकेशंस में फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया तब जेम्स कैमरून का वैसे बड़ा नाम था और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बन रही थी उसका भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स था जिसके चलते मार्केट में एक बाज़ अच्छा था तो इस वजह से फिल्म को काफ़ी भारी मात्रा में स्क्रीनस मिली हुई थी और यही एक सक्सेस रेसियो इस फिल्म ने करके वहीं पर दिखाया क्योंकि जो चीज़ें इस फिल्म को प्रिविलेज के तौर पर मिली थी उस वजह से इस फिल्म ने एक अच्छी ओपनिंग ली हुई थी लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो कलेक्शन किया वो फुल मेरिट के ऊपर कलेक्शन किया हुआ था फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था फिल्म को जिस तरह से बनाया हुआ था उसका एग्जिट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ था और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था इवन इंडिया में भी इस फिल्म ने उस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी फिल्मों को बनाया हुआ था उस समय में और उसके बाद में इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे अवतार जो 2009 में फिल्म आई करीबन 12 साल तक इस फिल्म ने पहले नंबर पे अपना मुकाम बनाया हुआ था 12 साल तक इस फिल्म ने अपना पहले नंबर के ऊपर हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का टेल हासिल किया हुआ था जहाँ पे 200 सौ यूएस मिलियन डॉलर 1997 में बड़े तो थे ही उसके सामने जिस तरह का जो कलेक्शन था वो भी अपने आप में बड़ी बात है करीबन इस फिल्म ने 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था 200 यूएस मिलियन डॉलर में बनी फिल्म 1997 में रिलीज़ की गई और 1997 में 2.257 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने पहले नंबर का पायदान हासिल किया लोगों के दिल में जगह बनाई और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई जिसको आई एम डी पे करीबन बारह लाख से ज़्यादा का वोट मिले हुए वन पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और फिल्म ने काफी बेहतर वे में ये कलेक्शन को कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई थी अब हम बात करें इस फिल्म को फिलहाल में कैसे ओ टी टी सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो उसके ऊपर तो फिल्म के ओ टी टी राइट हॉटस्टार के पास यानी कि इंडिया में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर देख सकते हो इस फिल्म को जहां पे वा तीन घंटे का रन टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पे टाइटनिक नाम के साथ इसको अवेलेबल क्या हुआ है विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो फिलहाल मैं इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो टाइटनिक नाम के साथ डिजनी प्लस हो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि टाइटेनिक फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है इंडिया में तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटेनिक नाम के साथ तो बस गए इस फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दिए फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत कर लिए इसके अलावा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया हुआ है फिल्म से जुड़े सभी अलग अलग स्पिक के ऊपर भी बातचीत कर लिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू